अवैध संबंध के चक्कर में युवक को तारा मौत के घाट। युवक का चचेरी भाभी से कायम हो गया था अवैध रिश्ता। मोबाइल फोन पर काफी देर तक होती थी दोनों में बात। अवैध रिश्ते के बारे में जानकर भड़क उठा था चचेरा भाई। चचेरे भाई ने चंदन को रास्ते से हटाने का बना लिया प्लान। मौका देखकर घर के अंदर ही कर दिया चंदन का काम तमाम। पुलिस की जांच में चंदन के गुनाहों का खुल गया कच्चा चिट्ठा। चंदन के हत्यारे भाई को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। समस्तीपुर जिले में अवैध संबंध के चक्कर में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का खौफनाक मामला सामने आया है। दो दिन पहले सिंगिया थाने के लगमा गांव में चंदन कुमार नाम के एक युवक की लाश बंद कमरे से बरामद की गई थी। पहली नजर में ही पुलिस को लग गया कि यह हत्या का मामला है। चंदन कुमार की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने एक टीम बनाई। इसके लिए मौके वारदात पर खोजी कुत्ते और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची थी। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से इस केस की गुत्थी को सुलझाने में पूरी ताकत झोंक दी थी। गांव के लोगों से पूछताछ से परत दर परत इस कत्ल की गुत्थी सुलझती चली गई। इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चला कि चचेरे भाई ने ही चंदन की हत्या की साजिश रची थी। आरोपी चचेरे भाई को शक था कि उसकी पत्नी के साथ चंदन का अवैध संबंध है। अवैध संबंध का शक होते ही राजीव कुमार सिंह गुस्से की आग में जलने लगा। उसने चंदन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देने का फैसला कर लिया और अपने 5 साथियों के साथ मिलकर हत्या करने की साजिश रची और मौका देखकर चंदन को मौत के घाट उतार दिया। अब रोसड़ा के DSP शहरियार अख्तर ने चंदन की मौत के रास्ते पर्दा हटा दिया है। उन्होंने कहा कि चचेरी भाभी से अवैध संबंध के शक में इस घटना को अंजाम दिया गया है। 26 जनवरी का रात कह लेंगे, 27 जनवरी का एकदम देर रात कह लेंगे। उस रात जो है एक सिंगिया थाना के लगमा गांव में एक घटना घटी, जिसमें सुबह में उस गाँव के निवासी चंदन सिंह, जिसकी उम्र करीब 21-22 साल होगी, उसको बिस्तर पे सोया हुआ पाया गया। जब घर के लोग उठाने गए तो देखा कि पूरा बिस्तर जो है खून से सना हुआ है और गला काटा है, बस थोड़ा सा से बचा हुआ था। तब जो है इस संबंध में सिंगिया थाने में कांड दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के निर्देशानुसार मुझे और थानाध्यक्ष सिंगिया और अन्य पदाधिकारियों को इसमें लगाया गया और हम लोगों ने इस कांड का उद्भेदन 2 दिनों के भीतर कर लिया। वहीं रोसड़ा के DSP शहरियार अख्तर ने बताया कि चंदन चचेरी भाभी से फोन पर बहुत देर तक बात करता था। इससे भी चंदन पर भाभी के साथ अवैध संबंध का शक और भी गहरा हो गया। अख्तर ने बताया कि मृतक का गाँव के कुछ और लड़कियों से भी संबंध था। ये मामला पूरी तरह से अवैध संबंध और प्रेम प्रसंग का मामला है। जो लड़का जिसकी हत्या हुई है चंदन सिंह, उसका अपने ही चचेरी भाभी से मतलब घर में रहते हुए ही फ़ोन पे लंबी लंबी बातचीत और उससे अवैध संबंध की बात प्रकाश में आई और उसी गांव के कुछ लड़कियों से भी उसके संबंध थे और जिसके कारण जो इस घटना को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड के लिए इस्तेमाल में लाए गए धारदार हथियार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा मृतक का मोबाइल और हत्यारे का जैकेट भी बरामद कर लिया गया है। अख्तर ने बताया कि चंदन की हत्या में शामिल 6 आरोपियों में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि कांड में शामिल 2 हत्यारे फरार चल रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना को कारित करने में 6 लोग शामिल थे, जिसमें 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें राजीव सिंह जो उसका चचेरा भाई है मृतक का, रोशन सिंह है, फिर सुमन सिंह है और दीपक सिंह, 2 लोग फरार हैं। इसमें हम लोग जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें खून सना हुआ जैकेट भी जो खून धो लिया था जैकेट में जब हत्या की गई थी तो कुछ कुछ जगह स्पॉट पे लगा हुआ है खून। हम लोग FSL इसको भेज रहे हैं और ये दबिया जो है जिससे हत्या को घटना को अंजाम दिया गया था, इसको पूरा धोवो के फिर बालू में रगड़ वगड़ दिया गया, इसको पूरा साफ ऑफ कर दिया गया था। और घटना से 10 दिन पहले पूर्व जो है इसको जहाँ पे इसको ये भोथरा था, इसको शाइनिंग करने के लिए इसको धार बनाने के लिए ले दिया गया था, तो वहाँ भी पहचान कराई गई जहाँ पे सांड धरवाया गया था। और मृतक का मोबाइल जो है घटना के बाद फेंक दिया गया था, एक बहुत बड़ा पानी का जाम था वहाँ पे फेंका गया था और करीब 3-4 घंटे मोटर चला के इस मोबाइल को निकाला गया है। इसमें सुमन सिंह ने ही उस मोबाइल को फेंका था, उसकी निशानदेही पे इस मोबाइल को
निकाला गया है। अवैध संबंध की अंधेरी गुफा में एक बार जाने के बाद इंसान का बच पाना मुश्किल हो जाता है। इस केस में भी अवैध संबंध के चक्कर में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। इस अवैध संबंध से आजकल के युवाओं को बचकर रहना चाहिए। वहीं इस केस में कानून को अपने हाथ में लेने वाले 6 लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो गई है। साफ है कि एक अवैध संबंध की वजह से गांव के कई घरों के चिराग बुझ गए। हत्या में शामिल लोगों को अदालत तो सजा देगी ही, साथ ही उनके परिवारों को लंबे समय तक घुटन भरी जिंदगी भी गुजारनी पड़ेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट।